पति को चकमा देकर पत्नी प्रेमी संग फरार। 2.5 माह पहले 50,000 रुपए देकर की थी शादी। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां गुरुवार को अपने परिजनों के साथ पहुंचे एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार मुकेश पुत्र प्रेम नारायण जाटव निवासी कन्हार थाना पहाड़गढ़ जिला मुरैना ने बताया कि 2.5 माह पहले उसकी शादी शिवपुरी जिले के वैराट थाना क्षेत्र के कालामड़ की रहने वाली परमाल जाटव की पुत्री से हुई थी। शादी के वक्त उसने अपने ससुर का 50,000 रुपए दिए थे। बीते रोज उसकी पत्नी इलाज कराने शिवपुरी जिला अस्पताल आई हुई थी, तभी मुझे अस्पताल में बिठा कर गायब हो गई। मुकेश ने बताया कि उसकी पत्नी बैराट के शिवम सोनी से मोबाइल पर बात करती थी। मुझे शंका है कि मेरी पत्नी को शिवम सोनी ही बहला फुसला कर भगा ले गया है। मुकेश जाटव ने बताया कि पत्नी अपने साथ 50,000 नकदी और सोने चांदी की जेवर भी ले गई है। मुकेश ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस से पत्नी और रुपये और जेवर वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हो? कनार के। आज जहाँ आए हो सीप्री एसपी ऑफिस में, क्या काम से हो, क्या समस्या लेके आए हो? पत्नी भग गई। कब? कल। कहाँ से भग गई? हॉस्पिटल से। जिला सीप्री अस्पताल से। हाँ। कहाँ हुई थी तुम्हारी शादी? बेड़ार। कितने साल पहले हुई थी? 2-2.5 महीने पहले। अच्छा, तो कहाँ से हुई थी तुम्हारी शादी? घर से। तो और क्या ले गई आपका पत्नी आपके? जेवर ले गई 50,000 रुपये ले गई घर से। हाँ। जिला अस्पताल क्यों आई थी? गोली दवाई लेने के लिए। अच्छा, गोली दवाई लेने। 5 मिनट बाद आ रही हूँ मैं, आप यहीं बैठो। अच्छा, तुम साथ में आए थे? हाँ। और तुम्हें चकमा देके भाग गई? हाँ। और तो रिपोर्ट कर दी आपने? कर दी। अच्छा जी, बताओ क्या बोलते हैं, किस तुम्हें किस पे सक गया, किसके साथ जा सकती है? वो एक लड़का थे, बात करती थी। कहाँ? शुभम। कहाँ का रहने वाला ये शुभम सोनी? बेड़ार का ही है सर। बेड़ार का रहने वाला। तो तुमने पुलिस को नहीं बताया कि शुभम सोनी ले गया है? बताया था क्या? बताया सर, शक तो है। अच्छा, रोज बात करती है। अब क्या चाहते हो तुम? रकम मिल जाए और पैसे वैसे मिल जाए। तो पैसे भी दिए थे क्या तुमने शादी करने के? दिए सर। अरे पैसे वैसे नहीं दिए? दिए तो पैसे 50,000। किसको दिए थे पैसे तुमने? परमाल को। परमाल कौन है? तुम्हारा ससुर? हाँ। 50,000 रुपये दिए थे? हाँ। 2.5 महीने पहले शादी हुई और? हाँ। और अब पत्नी छोड़ के भाग गई?